ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का जो हमको बुलाए आज आप लोग यहाँ पे। लोकतंत्र की लड़ाई जो अंडमान में हुआ, आज हो रहा है, इसको देखते हुए आज हमारा मन नहीं माना कि अंडमान जनता पार्टी जो इतना तेजी से अंडमान में लड़ाई लड़ने के लिए तैयार था, अंडमान जनता पार्टी के हम स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष प्रजापति, और पार्टी को लेके अंदर कुछ ऐसा मतभेद हुआ बीच में कि जो हमारे खुद को ही समझ में नहीं आया। और 9 तारीख वो 26 मार्च को जो है हम मेल लाइन जा रहे थे, तो उससे एक दिन पहले 25 तारीख को अजीत जी का फोन आया हमारे पास, बोले कि आप देखे थे मीडिया में हमारा खबर चला था, हमको कैंडिडेट घोषित किया गया था और अभी तक हमको पर्चा नहीं मिला। तो हम बोले नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। 2 3 3 दिन पहले राम बाबू को हम दिए थे और वो आपके नाम से ही लिए, बोल के कि अजीत हमारा कैंडिडेट है, हम ऐलान किया है और आप दे दीजिए। तो हम थे, हमारे साथ नीरज भाई थे, हम लोग जो है कि बाई रोड फररगंज के रास्ते से जा रहे थे, तो उनको दिए बाजार में। देने के बाद में फिर अजीत भाई का फोन आता है 25 तारीख को कि हमको मिला ही नहीं। तो हम बोला हो सकता है भाई कहीं गलती हुआ होगा, आइए हम जो है दूसरा आपको देते हैं साइन करके। हम एयरपोर्ट पे सुबह साइन करके दिए और अजीत भाई को हम बोले कि हमको तो जानकारी है कि आपकी आप ही कैंडिडेट हैं, आपको ही बताया गया था, आपके लिए हम दिए दे रहे हैं चीज को। वो तो दे के हम चले गए, बाकी पर्चा भरते समय क्या हुआ कैसा हुआ उसको हमें जानकारी नहीं प्राप्त हुआ। 9 अप्रैल को हम अंडमान आए तो लोग हमको शिकायत किए, लोग बोलने लगे कि ऐसा ऐसा आपके पार्टी के बीच में हुआ, आपका पार्टी इतना तेजी से आगे बढ़ रहा था, आगे चला, अच्छा पोजीशन पे था। तो हम लोगों का बात सुनते हुए कुछ नहीं जवाब दिए, और आज अजीत भाई को हम बोले हैं कि पार्टी का समर्थन आपके पास है अंडमान जनता पार्टी का और रहेगा हमेशा, और हम स्वयं जब तक चुनाव है आपके साथ में रहेंगे। धन्यवाद। सर मेरा एक सवाल है, जी जैसा अभी जो आपने जो बताया कि जी आप अजीत जी का जो है साथ दे रहे हैं जी और आप जो है अंडमान निकोबार जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राइट? जी तो देखिए सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते तो इस वक्त जो चुनाव का चिन्ह है अजीत जी का वो है आटा चक्की, और आपके जो अंडमान निकोबार जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट है, प्रदेश जो अंडमान प्रदेश जी हाँ अंडमान प्रदेश का जो प्रेसिडेंट जी है वेंकट राम बाबू, उनका जो है चुनाव चिन्ह है आपका ऑटो। तो आखिर ये दुविधा हुई कैसे? और मैं आपको पहले बता दूं कि आपके जो यहाँ के अंडमान निकोबार के जो स्टेट प्रेसिडेंट है जो वेंकट जी, उन्होंने ही एक वीडियो जो है जारी किया था और उन्होंने ही अपना पार्टी के तरफ से जो है प्रत्याशी, सबसे पहला प्रत्याशी जो है अंडमान निकोबार से अब्दुल अजीज जी को जो है डिक्लेयर किया था, वीके अब्दुल अजीज जी को जो है डिक्लेयर किया था। लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, जब इलेक्शन का जो दिन था, जब अपने नॉमिनेशन फाइल करने गए थे, तो उस समय ऐसा क्या हुआ कि अजीज जी को जो है आटा चक्की का जो है चिन्ह मिला और आपके यहाँ की जो राष्ट्र अध्यक्ष सॉरी यहाँ आपके यहाँ की जो अध्यक्ष है उन्हें जो है अंडमान निकोबार जनता पार्टी का जो ओरिजिनल साइन है वो ऑटो का निशान वो मिला। तो आखिर ऐसी क्या हुई अंडमान निकोबार जनता पार्टी के बीच में, जो एक तरफ से वर्किंग प्रेसिडेंट जो थे और जो स्टेट प्रेसिडेंट थे वो दोनों ही जो है चुनाव में खड़ा हुए, तो आखिर ऐसा क्या हुआ दोनों के बीच में? ये जानकारी हमें नहीं है दोनों के बीच में क्या हुआ। हमें तो 25 तारीख को शाम को जानकारी चला जब अजीत भाई ने फोन किया कि हमको फॉर्म नहीं मिला, तो हम उनको सुबह बुला के 26 तारीख को उनको फॉर्म पे साइन करके दे दिए, और उनको हम बताया कि आपके नाम से ही साइन करके हम दिया हुआ है, आप ही कैंडिडेट है, हम घोषित किया गया था, ये हमको जानकारी प्रदेश अध्यक्ष दिए थे। अब उसके बीच में क्या हुआ ये हमें नहीं जानकारी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आपने आज क्लियर कर दिया कि आपने फॉर्म जो है
वीके अब्दुल अजीज जी को देने के लिए मिस्टर वेंकट राम बाबू के हाथ में दिया था। उसके बाद जब उनको नहीं मिला तो आपने वापस से फॉर्म ए और बी साइन करके मिस्टर वीके अब्दुल अजीज जी को एयरपोर्ट में मेलैंड जाने से पहले दे दिया। तो आपका जो पहले आपने जो फॉर्म दिया था मिस्टर वेंकट राम बाबू को, आपने जो इंटेंशन से फॉर्म दिया था, जिस कारण से आपने उनको फॉर्म दिया था, वो कारण जो है पूरा नहीं हुआ और उन्होंने उस फॉर्म का मिसयूज किया और ये एक क्रिमिनल ऑफेंस भी है क्योंकि उन्होंने आपके साथ जो है एक तरीके से धोखाधड़ी की और पार्टी के साथ भी एक तरह से कैसे धोखाधड़ी की। तो क्या अभी आप एज ए नेशनल प्रेसिडेंट अपने पार्टी का आप किसी भी तरह का क्रिमिनल चार्जेस उनके ऊपर जो है क्रिमिनल कंप्लेन आप फाइल करने वाले हैं या आप पार्टी के तरफ से कोई एक्शन लेने वाले हैं मिस्टर वेंकट राम बाबू के अगेंस्ट? चुनाव के बाद में इस पर निर्णय लिया जाएगा। और जो पहला सवाल था आपका कि फॉर्म जो है एक्चुअली राम बाबू नायडू अब्दुल के नाम से ही लिए, अजीत भाई के नाम से ही साइन करके पहले भी लिए हमसे, और वो नहीं मिलने के कारण जो है कि हमको दोबारा एयरपोर्ट पे आए, अजीत भाई बोले हमको मिला नहीं है ये चीज को, दोबारा से हम साइन करके दिया। और राम बाबू से भी बात हुआ हमारा फोन पे कि कैसे हो गया आप उनको दिए नहीं, बोले नहीं एक डबिन हम लोग को भरना है ताकि एक अगर नहीं कैंसिल होता है तो एक पे लड़ा जाएगा। तो ये बात हम मान गए, बोला चलो भाई ठीक है जैसा भी आप लोग वहां समझ लीजिएगा जो भी है, लेकिन कैंडिडेट जो है अजीत भाई है, फोन पे भी बात हुआ है। अब हम लाइन में थे, बिजी थे, बाद में संपर्क नहीं हो पाया, यहाँ पे क्या हो गया इन लोग के बीच में हमें नहीं जानकारी है। बस आज हम ये कहना चाहते हैं कि अंडमान जनता पार्टी जो हमारे कैंडिडेट अजीत भाई थे उनको उनके बारे में हमको बताया गया था राम बाबू के थ्रू, इसलिए हम अजीत भाई के साथ हैं और उनका समर्थन कर रहे हैं। सर अभी पार्टी जो है पार्टी का कोई मतलब नाम का कैंडिडेट अभी तक मतलब अभी नहीं है क्योंकि दोनों ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया था, आरओ ने डिसीजन लिया कि दोनों को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देंगे। एक तरह से इससे पार्टी का नुकसान तो हुआ है, साथ ही साथ आपने इस कैंडिडेट को डिक्लेयर किया था अजीज जी, उनका भी नुकसान हुआ है और वेंकट राम बाबू जो आपके स्टेट प्रेसिडेंट थे उनका भी नुकसान हुआ है। तो अभी पार्टी किस तरह से अपने जो निर्धारित कैंडिडेट है मिस्टर वीके अब्दुल अजीज उनको सपोर्ट करेगी? सर सुनिए, पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, पार्टी में लाइन में भी चुनाव लड़ रहे हैं और जौनपुर जिला से लड़ा जा रहा है, हमारे तीन कैंडिडेट वहां से लड़ रहे हैं। यहाँ पे ऐसा जो हुआ है अब कहाँ से कैसे हो गया क्या हुआ है ये तो हम नहीं अभी बता पाएंगे, चुनाव के बाद में बैठक करेंगे अपने जो है कि पार्टी पदाधिकारियों को बुलाएंगे, वो क्यों नहीं पर्चा रिटर्न लिए या वहां से गलती हुआ या कोई अधिकारी से हुआ या चुनाव आयोग से हुआ या हमारे जो पदाधिकारी हैं पार्टी का उनसे हुआ, ये चुनाव के बाद बैठक होगा उस पर बात विचार किया जाएगा। सर जैसे आप जो है आप चुनाव की बात कर रहे हैं लेकिन सर ये डिसीजन जो इतना बड़ा डिसीजन लेने के पहले जो है आपसे क्या ये पूछा गया था कुछ भी? नहीं तो सर आपका जी जी बोलिए, हम पूरी बात बोले बोलिए बोलिए बोलिए। हम पूछे थे कि किसको कैंडिडेट खड़ा किया जा रहा है, अपने प्रदेश अध्यक्ष से हम पूछे थे कि अभी लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है उसमें हमारा कैंडिडेट कौन होगा, किसी को आप किसी का चेहरा चुने हैं या नहीं चुने हैं, या नहीं चुने हैं तो बताइए हम स्वयं यहाँ से लड़ेगा। लेकिन वो हमको बताया कि अब्दुल जी को चुना गया है, अजीत भाई को, अजीत भाई को हम लोग कैंडिडेट घोषित किए हैं और हमको एक वीडियो भी दिखाया मीडिया तो का। अच्छा मतलब ये बात जो है आप मानते हैं कि उन्होंने जो है अजीज भाई को अपना कैंडिडेट बनाया था और अंडमान निकोबार का पहला प्रत्याशी जो है अंडमान निकोबार जनता पार्टी से जो है अजीज जी को चुना गया था? जी जी पहला प्रत्याशी जी यही है, इससे पहले भी चुनाव हुआ था पार्टी के थ्रू लड़ा गया था, जौनपुर जिला में लड़े थे हमारे विनोद प्रजापति जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष है, उससे पहले वहां पे एक सीट पे लड़ा गया था, हम स्वयं आजमगढ़ वाली सीट से लड़े थे सदर से, और ये दूसरा चुनाव यहाँ से अब्दुल जी के लिए किया गया था। सर आपने ऐसे बताया इस बार भी यूपी के कई और जगहों से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो कौन कौन से जगह से चुनाव लड़ रहे थे, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है अंडमान निकोबार जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है इस बार प्रत्याशी आप लोगों ने दिया है कैंडिडेट दिया? इस बार जो है कि अभी पर्चा भरने में लेट है, अगले महीना पर्चा भरा जाएगा यूपी में, तो अभी नाम का घोषणा नहीं किया गया है। अगली बार जो लड़े थे 2019 में उसमें विनोद प्रजापति थे, वो आप लोग ऑनलाइन जो है नेट पे भी देख सकते हैं, चुनाव आयोग की वेबसाइट पे है। सर देखिए एक आखिरी सवाल, आप जो है इस पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण जो है नेता है इस पार्टी के, और
जैसा अभी हाल ही में आपके पार्टी के अंदर जो भी हुआ, तो जैसा आपने कहा कि इसके बारे में आपको जो है मतलब इसके बारे में जो है आपको नहीं पता था, तो लेकिन अभी जनता के मुंह से जो है ये चीज सुनकर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार जनता पार्टी जो है वो बिखर चुकी है, क्योंकि पहले उसके जो अध्यक्ष थे, जो ये जो यहाँ के अंडमान निकोबार के जो स्टेट प्रेसिडेंट जो थे, उन्होंने जो है अजीज जी को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया था, और उसके उसके बाद जो है उसे प्रत्याशी भी डिक्लेयर किया था। फिर उसके बाद जो है और भी काफी लोग जुड़े, जुड़ने के बाद जो है जब जैसी चुनाव आया, चुनाव आने के बाद जो ऐसा जब नॉमिनेशन के समय ऐसा कुछ हुआ जो देखकर काफी लोग जो है अचंभित हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है लोगों का ये सवाल था। इसलिए आपसे ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आगे आपकी जो पार्टी है उसमें अजीज जी और वेंकट जी का क्या अहम रोल रहेगा? अब पार्टी के बाद में फैसला लिया जाएगा, चुनाव के बाद जो है फैसला लिया जाएगा पार्टी का कि दोनों का क्या अहम रोल रहेगा। अभी तो फिलहाल ये है कि दोनों को वोट कितना होता है, दोनों को चाहने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे, उसके बाद में बैठक होगा, पदाधिकारियों को जो है नियुक्ति किया जाएगा। तो आपको 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 क्या लगता है कि दोनों में से किसी न किसी ने जो है उल्लंघन किया है? उल्लंघन तो हुआ है, बगैर उल्लंघन का तो ऐसा नहीं हो सकता ना, उल्लंघन तो हुआ है। अब किस स्वार्थ बस हुआ है वो हमें जानकारी नहीं है, उल्लंघन हुआ है। धन्यवाद सर जी।